भारतात पवित्र मानली जाणारी बनारस काशी येथील महाआरती पुण्यातील दगडूशेठ हलवाई गणपतीला अर्पण करण्यात आली. बनारस काशी येथून आलेल्या महाआरती समितीच्या सदस्यांनी पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीस महाआरती अर्पण केली. यावेळी त्यांनी शंखध्वनी करून भगवान गणेशाची स्तुतीशंकनं केली. गणपतीला धूप दाखवून आरती, नाग आरती, मोर पंख आरती आणि चमर आरती करण्यात आली. गणपती मंत्र पुष्पांजलीनंतर महाआरती संपन्न झाली. यावेळी ही आरती बघण्यास भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. मंत्रमुग्ध वातावरणात भाविक प्रसन्न झाले. नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं. सभी भक्तजनों को जय श्री गणेश. मेरा नाम हिमांशु पांडे, हम बनारस से हैं. हम प्रतिदिन सायंकालीय माँ गंगा की भव्य और दिव्य महाआरती करके, आपने जो अभी श्री दगडूशेठ महाराज में आरती देखा, ये आरती प्रतिदिन सायंकालीय माँ गंगा की दिव्य आरती हमारे समिति के द्वारा कराई जाती है. जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आरती में 18 से 20 मिनट लगा है और ये महाआरती, इसमें हम प्रारंभ करते हैं शंख ध्वनि के साथ. शंख ध्वनि हमारा बहुत ही शुभ कार्य के लिए मंगल माना जाता है, इसीलिए हम कोई भी कार्य शंख ध्वनि के साथ प्रारंभ करते हैं. हमने शंख ध्वनि के साथ प्रारंभ किया. शंख ध्वनि के पश्चात हमने अगरबत्ती से आरती की. अगरबत्ती के पश्चात हमने धूप आरती की. धूप आरती के पश्चात हमने झाल आरती की, जिसमें से 80 से 90 बत्ती लगती हैं. उसके बाद हमने नाग आरती की. नाग आरती के पश्चात हमने पुनः पुष्प से आरती की और पुष्प के पश्चात हमने मोर पंख बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री राधे कृष्ण के मुखारविंदों के जो मुकुट में विराजमान है वह मोर पुष्प है, मोर पंख है. उसके पश्चात हमने झाल आरती की, मोर पंख किया. मोर के बाद हमने चमर किया. तो हमारी ये महाआरती होती है और हम पहली बार श्री दगडूशेठ हलवाई महंत में आरती करने के लिए आए हैं और ये हमारा पुणे में प्रथम महाआरती का कार्यक्रम रहा है जो श्री दगडूशेठ के दरबार में संपन्न हुआ है. और हम सभी भक्तजनों से निवेदन करते हैं कि आप भी आध्यात्म से जुड़ने के लिए ऐसी महाआरती देखें. आप बनारस में ऐसी महाआरती का आनंद ले सकते हैं और आप प्रत्येक साल, अब हम जैसा कि चाहेंगे कि प्रत्येक साल यहाँ भी हमारे श्री दगडूशेठ हलवाई में ऐसी महाआरती का आयोजन हो. जय श्री गणेश.